गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम करेंगे लास्ट फाइलम कोरडाटा। ठीक है बच्चों, तो एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम है ये। ठीक है, ओके, दिस इज लास्ट फाइलम और ये सबसे मोस्ट एडवांस फाइलम भी है और हम भी इसी में आते हैं। बायोलॉजी में वी आर ऑल्सो एनिमल्स और हम भी इसी फाइलम में आते हैं कोरडाटा के अंदर। तो कोरडाटा फाइलम में जो एनिमल्स हमने डाले हैं उनमें क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये फाइलम हमने किस बेस पे बनाया है, इसका बेसिस क्या है। ओके, तो बच्चों इसमें हमने सब वे एनिमल्स डाले हैं जिनमें कम से कम जिनमें फोर ऐसी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी के अंदर पाई जाती हैं। और वे फोर कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, वे कौन कौन सी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिस जो कि इसके अंदर आती है। नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकोड। ये नोटोकोड क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ होलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, और जो फोर्थ कॉमन करेक्टर है जो इन सब में पाया जाता है वो है पोस्ट एनल टेल। ठीक है बच्चों, तो ये जो फोर करेक्टर है ये सभी कोर्डेट्स के एम्ब्रियो में होते हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पे हमने ये फाइलम डेवलप किया है। तो कौन कौन से चार करेक्टर हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड का होना, जो नर्वस सिस्टम है वो होलो होता है यानी नर्वस सिस्टम के बीच में कैविटी होती है, और जो फेरिंग्स है मतलब जो गला होता है वहाँ पर गिल स्लिट्स दरारें होती हैं जो बाद में गिल्स बनती हैं। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद भी पोर्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल, पोस्ट एनल टेल। तो ये चार करेक्टर हैं जिनके बेस पे हमने क्या बनाया है, कोरडाटा। तो वी आर आल्सो कोरडेट्स, हमारे एम्ब्रियो के अंदर भी ये चारों करेक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल। अब ये चारों करेक्टर एक डायग्राम के हिसाब से आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है ये। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये एक मैं एम्ब्रियो डायग्राम बना रहा हूं। जो भी कोर्डेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियो में चारों करेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड क्या होता है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसका बना है, मेजोड्रम का। किसका, मेजोड्रम का। और किस साइड में होता है, डोर्सल साइड में। ये डोर्सल साइड है और ये कौन सी है, वेंट्रल। तो डोर्सल साइड्स में यहाँ प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, गट वाल के ऊपर। ये गट वाल है यानी ये आर्किंट्रेन है, ये इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसमें ये माउथ है और ये क्या है, एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी डोर्सल साइड्स में प्रेजेंट होता है नोटोकोड, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर। अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अनसेगमेंटेड है, सॉलिड है। ओके, और किसका बना है बताया था आपको, मेजोड्रम, यानी इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, मेजोड्रमल है। क्लियर, ये एक प्रकार से है क्या, ये एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, स्केल्टन प्रोवाइड करता है। एक प्रकार से एम्ब्रियो का स्केल्टन ही है, एक प्रकार से एम्ब्रियो को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, ये नोटोकोड, जितने भी कोर्डेट्स हैं सबके एम्ब्रियो में ये होता है बच्चों, सब कैमरियो में प्रेजेंट होता है। तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इसको आप क्या बोलते हैं, नोटोकोड। और ये किसका बना होता है बताया था आपको, मेजोड्रम का। किसका, मेजोड्रम का बना होता है। क्लियर, वेरी सिंपल, शाबाश। तो ये मेजोड्रम का बना होता है। ठीक है, एक प्रकार से एम्ब्रियो को ये स्केल्टन, एक प्रकार से एम्ब्रियो का स्केल्टन है ये।
ठीक है। उसके बाद दूसरा करेक्टर मैंने क्या बताया था, प्रेजेंस ऑफ होलो, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, यानी कि नोटोकोर्ड के ऊपर न्यूरल सिस्टम होता है जो कि होलो होता है, ऐसे होलो इस प्रकार से, ठीक है। ये है डोर्सल होलो। होलो का मतलब क्या होता है कि ये नर्व कोर्ड है और बीच में कैविटी होती है जहां पर एक फ्लूड भरा होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड बोलते हैं। तो ये डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम जिसका ओरिजिन क्या होता है बच्चों, एक्टोड्रम। ये एक्टोड्रम से बनता है। नोटोकोर्ड किसे बनता है, मेजोड्रम से। मेजोड्रम आपको मालूम है सबसे बाहर क्या होती है, एक्टोड्रम। फिर ये जो नोटोकोड है किसका बना है, मेजोड्रम का बना हुआ है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल की वाल है ये किसकी बनी होती है, एंडोड्रम की। तो यहाँ से भी आपको स्पष्ट हो जाता है कि सबसे ऊपर एक्टोड्रम है, फिर मेजोड्रम है, और फिर क्या, एंडोड्रम है। तो ये तो बना होता है किसका, एक्टोड्रम का। नोटोकोड किसका बना होता है, ये होलो होता है। नोटोकोड किसका बना होता है, मेजोड्रम का बना होता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल है। और फिर मैंने तीसरा करेक्टर क्या बताया आपको, कोर्डेट्स का जो थर्ड करेक्टर है वो कौन सा है बच्चों, कोर्डेट्स का, कोर्डेट्स का जो थर्ड करेक्टर है वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, यहां पर गिल स्लिट्स होती हैं ऐसे, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में तो गिल्स बनेंगे यहां पर, हम भी हमारे एम्ब्रियो में ये होती हैं लेकिन बाद में डिसअपीयर हो जाती है, बाद में ये जीन एक्सप्रेस नहीं होते क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल, हमारे अंदर लंग्स डेवलप होते हैं। लेकिन हमारे एम्ब्रियो में गिल स्लिट्स होती हैं, हम अडल्ट बाद में ये गिल स्लिट्स नहीं होती, जन्म के बाद नहीं होती, पहले एम्ब्रियो में होती है, बाद में डेवलपमेंट के दौरान ये डिसअपीयर हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक क्लू मिलता है कि हमारे, हमारा जो ओरिजिन है वो फिश लाइक एनिमल से हुआ है। यानी यहाँ पर एक एवोल्यूशनरी पॉइंट से एक कनेक्टिंग लिंक हमें मिलता है, एम्ब्रियोनिक लेवल पे एक एविडेंस हमें मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमारे एम्ब्रियो में गिल स्लिट है लेकिन हमारे अंदर नहीं है, तो वहां पर है जिसका मतलब जीन है, वो जीन थे एक्सप्रेस नहीं हुए। इसका मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे उनके अंदर, जैसे फिश, इसका मतलब फिश लाइक एनिमल्स हमारे एंसेस्टर थे, वहां पर वो जीन एक्सप्रेस हो गए, बाद में वो धीरे धीरे क्या हो गए, एवोल्यूशन के दौरान डिसअपीयर होते गए, वो करेक्टर क्या होता गया, डिसअपीयर। लेकिन हमारे एम्ब्रियोनिक लेवल पे ये एविडेंस हमें मिलता है कि हमारे एम्ब्रियो में क्या होती है, गिल स्लिट्स होती है, ठीक है। फोर्थ करेक्टर क्या है बच्चों, ये एनस, एनस के बाद का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, ठीक है। जो मैमल्स होते हैं, जो कोर्डेट्स होते हैं, उसमें एनस के बाद क्या होती है, टेल्स होती है। जैसे जो मैमल्स हैं, जो काउ, बफलो, लायंस, इन सब में टेल होती है एनस के बाद, तो ये पोस्ट एनल टेल है। हमारे एम्ब्रियो के अंदर भी टेल होती है लेकिन ये करेक्टर हमारा एवोल्यूशन के दौरान क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये एक एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया मैंने और इस एम्ब्रियो के अंदर मैंने सारे करेक्टर दिखाए हैं आपको जो किस में प्रेजेंट होते हैं, कोर्डेट्स में। तो जो फाइलम कोर्डाटा है उसका यही बेस है। ये चार करेक्टर है, कॉमन करेक्टर हैं, समझे, ये चार कॉमन करेक्टर हैं कोर्डेट्स में। इन्हीं के आधार पे, यही बेसिक है, इन्हीं के आधार पे हमने क्या बनाया है, कोर्डाटा फाइलम बनाया है, समझे। तो चार करेक्टर आपने याद रखने कोर्डेट्स के। इसके अलावा, इसके अलावा और जो करेक्टर हैं वो आगे पढ़ेंगे। जो कोर्डेट्स होते हैं उनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है, याद रखना। और अब आगे मैं जो फाइलम कोर्डाटा है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करता हूँ बच्चों। फाइलम का नाम तो है कोर्डाटा, ठीक है। अब इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, जो मुख्य पहचान वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड इन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो में नोटोकोड होता है। अब ये जो नोटोकोड है इसका बाद में क्या होता है, यानी इसका क्या फेट है, नोटोकोड से आगे क्या बनता है, उसके आधार पे इसके तीन सब फाइलम हैं। तो तीन सब फाइलम हम किसके बेस से बनाएंगे, फेट ऑफ, फेट ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड का जो फेट है उसके आधार पे हम बनाएंगे। तो यहां पर तीन सब फाइलम बनेंगे, यहां पर इसके फर्स्ट है यूरोकोर्डाटा, ठीक है। सेकंड बनेगा आपका सेफालोकोर्डाटा, सेफालोकोर्डाटा। और जो थर्ड है मोस्ट एडवांस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम भी आते हैं, वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रेटा, ठीक है। तो तीन सब फाइलम, यानी जो फाइलम कोर्डाटा है इसके तीन सब फाइलम हमने बनाए हैं किसके दार पे, फेट ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड का आगे क्या बनना है उसके दार पे,
अब देखो बच्चों, यूरोकोडाटा इसका एक नाम और भी है ट्यूनिकाटा, इसको ट्यूनिकाटा बोलते हैं। ट्यूनिकाटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उसके बाहर एक लेयर होती है ट्यूनिक लेयर, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज जैसे मटेरियल की बनी होती है। सेलुलोज आप जानते हो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो सेलुलोज जैसी लेयर की एक कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिक बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो इसलिए ट्यूनिकाटा ही बोलते हैं। इनके अंदर जो नोटोकोड है प्रेजेंट होता है, और ये नोटोकोड किस में होता है, लार्वा की टेल में। तो नोटोकोड इन लार्वल टेल, नोटोकोड होता है लेकिन लार्वल टेल में होता है और नहीं होता, ठीक है। अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर ये नोटोकोड क्या हो जाएगा, डिसअपियर, लार्वल टेल तक रहेगा। सेफालोकोडेट है, इनमें जो नोटोकोड है, नोटोकोड है वो बॉडी के अंदर हेड से लेके और टेल तक रहेगा थ्रू आउट लाइफ, मतलब नोटोकोड ही रहेगा हेड से लेके टेल तक, नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ रहेगा, एक प्रकार से स्केल्टन का काम करेगा, ठीक है, हेड से लेके टेल तक। वर्टिब्रेटा मोस्ट एडवांस है, इनमें क्या होता है बच्चों, जो नोटोकोड है, जैसे हम भी वर्टिब्रेट हैं, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे अंदर जो नोटोकोड है डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक लेवल में तो नोटोकोड होता है, एम्ब्रियो से जब फिटस बनता है, एम्ब्रियो से जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म के टाइम तक ये एम्ब्रियो बनता है सबसे पहले, उसके बाद फीटस, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, तो नोटोकोड हमारे एम्ब्रियो में होता है। उसके बाद जब जन्म होता है तो उस समय तक ये नोटोकोड क्या बन जाता है, वर्टेब्रल, ये क्या बन जाता है, वर्टेब्रल कोलम, ये वर्टेब्रल, वर्टेब्रल कोलम, या जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, बैकबोन, क्या बोलते हैं, बैकबोन। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है जो हेड से लेके यहाँ तक है, ये वर्टेब्रल कोलम है, ये बैकबोन है हमारी। जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थे तब ये क्या था, नोटोकोड था, बाद में क्या बन गया, वर्टेब्रल कोलम। इसलिए हमारा जो सब फाइलम है वो क्या है, वर्टेब्रेटा, क्या है, वर्टेब्रेटा, समझे आप लोग, वेरी सिंपल, ठीक है। एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं वो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपका लेवल है वहीं तक करेंगे। तो बेसिक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है कि एक नोटोकोड कोडाटा फाइलम किसके आधार पर बनाया गया है, इसके फिर तीन सब फाइलम किसके आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा वर्टेब्रेटा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मोस्ट एडवांस है और इसमें हम भी आते हैं। तो बच्चों मोस्ट एडवांस सब फाइलम वर्टेब्रेटा, अभी बता दें मैंने आपको कि यहां पर इनके अंदर नोटोकोड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्टेब्रल कोलम में। अब जो वर्टेब्रेटा, इसकी फर्दर हमने दो सेक्शन बनाए हैं, इसके फर्दर हमने दो सेक्शन बनाए बच्चों, और ये सेक्शन किसके आधार पर बनाए हैं, प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ ए जा, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जा। जा क्या होते हैं, जबड़े होते हैं, जबड़े, जैसे हमारा जबड़ा होता है ऊपर नीचे, तो इस प्रकार जो जबड़े का एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट, तो जबड़ों के आधार पे, यानी जा के आधार पे हमने इसके दो सेक्शन बना दिए। एक को हम क्या बोलते हैं, गनेथोस्टोमाटा, गनेथोस्टोमाटा, और एक को क्या बोलते हैं, एगेनेथा। एक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एगेनेथा। ये विदाउट जा और ये विद जा, यानी इनमें तो क्या होते हैं, जा होते हैं, पावरफुल जबड़े होते हैं, और ये कौन से होते हैं, विदाउट जा, इनमें कोई जबड़े नहीं होते, ठीक है। इसमें एक ही क्लास आती है, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो स्टोमाटा एक ही क्लास है इसमें, और ये साइक्लोस्टोमाटा में जो एनिमल्स आते हैं वो पैरासाइट होते हैं, क्या होते हैं, पैरासाइट। ये एक्वेटिक होते हैं, जो दूसरी फिश होती हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हैग फिश, मैंने एग्जांपल लिख दिया, और एग्जांपल आपको बुक से मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो पानी में पाए जाते हैं, और जो दूसरी फिश होती है उनके ऊपर क्या होते हैं, पैरासाइट्स। इनका माउथ ऐसे होता है, जबड़े नहीं होते, सक्कर लाइक होता है, और ये अपने माउथ को जो है ना, जो है ना, सक का मतलब जो पैरासाइट फॉर्म होती है इनकी, वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर ऐसे वहाँ से नरिशमेंट अपना लेती है, ठीक है। जो गनेथोस्टोमाटा है बच्चों, जिनमें जा होते हैं, जा, ठीक है, ठीक है, एक सेक्शन है, इसकी दो सुपर क्लास है, दो सुपर क्लास। ये सुपर क्लास हमने किसके आधार पर बनाई है, ये बनाई है बॉडी के ऊपर जो अपेंडेज होते हैं, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, अपेंडेज, बॉडी के बाहर जो भाग निकले होते हैं उनको अपेंडेज बोलते हैं, जिनमें फिन्स होते हैं और किसी में लिम्स होते हैं। जिनमें फिन्स होते हैं वो तो क्लास बन गई हमारी पाइसिस,
पाइसिस सुपर क्लास, ठीक है ओके, सुपर क्लास जो है पाइसिस है, किसके दार पे, फिंस के दार पे, और सुपर क्लास यहाँ पर कौन सी, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा किसके दार पे, लिम्स के दार पे। तो ये सुपर क्लास, दो सुपर क्लास यानी गिनेथोस टोमाटा की दो सुपर क्लास हो गई बच्चों, गिनेथोस टोमाटा की दो सुपर क्लास हो गई है आपकी। दो सुपर क्लास कौन कौन सी हो गई है, पाइसिस और टेट्रापोडा, इनको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार आपको। तो एक तो सुपर क्लास हो गई है पाइसिस और एक हो गई है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में क्या होते हैं लिम्स और पाइसिस में क्या होते हैं फिंस, फिंस और लिम्स क्या है, अपेंडेज है। पाइसिस सुपर क्लास है इसकी, फिर दो दो क्लास है इसकी, पहली क्लास का नाम है कोंड्रिस्थाइस, कोंड्रिस्थाइस, और दूसरी का नाम है ओस्टियोथाइस। समझे आप लोग, वेरी सिंपल ओके। कोंड्रिस्थाइस और ओस्टियोथाइस ये किसके बेस पे हमने बनाई है, ये बनाई है एंडोस्केल्टन के आधार पे, किसके आधार पे, एंडोस्केल्टन। कोंड्रिस्थाइस में एंडोस्केल्टन होता है किसका बना हुआ, कार्टिलेज का, कार्टिलेज एंडोस्केल्टन, और इनके अंदर किसका बना होता, बोन यानी बोनी एंडोस्केल्टन, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस फिश होती है और ये कौन सी होती, बोनी फिश। इसका एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, और एग्जांपल आपने खुद करने, सार्क, सार्क एक फिश है। सार्क का जो एंडोस्केल्टन होता है बच्चों, सार्क की बॉडी के अंदर जो एंडोस्केल्टन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। आपको मालूम है बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है, दोनों ही हार्ड टिश्यू है, लेकिन कार्टिलेज थोड़ा है एज कम्पेयर टू बोन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें थोड़ा बहुत कंप्रेशन हो सकता है, तो कार्टिलेज टिश्यू थोड़ा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू बोन, ठीक है। तो सार्क की बॉडी आपको पता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, पानी के ऊपर कैसे वॉक करती है वो, तो उसका एंडोस्केल्टन मदद करता है क्योंकि वो इतना हार्ड नहीं होता, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। बोनी फिश, बोनी फिश तो आप अपने पॉन्ड्स, गांव में जो पॉन्ड्स होते हैं शहर में, उसमें जो फिश देखी होंगी आपने, वो लग सारी सारी क्या होती है, बोनी फिश होती हैं, जिसमें रोहू कटला इस टाइप की। टेट्रापोडा के अंदर जो क्लास आती हैं, चार क्लास हैं बच्चों, पहली क्लास है एम्फीबिया, एम्फीबिया, सेकेंड है रेप्टिलिया। वेरी वेरी सिंपल है क्योंकि इन सब से तो आप वाकिफ हो, जो चीज़ आपने देख रखी जो आपके आसपास है उसको आप जल्दी समझते हो, जो चीज़ आपसे दूर है, जो आपसे फैमिली नहीं, वहाँ पर आपको दिक्कत आती है, लेकिन उनको आप बार बार करोगे तो वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि हैं तो सारे एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं, रेप्टिलिया, तीसरी एव्स और चौथी है मैमेलिया। तो हमारी ये जो क्लास है कौन सी है, मैमेलिया, ठीक है। इन सब के अंदर मेन मेन फीचर क्या होते हैं बच्चों, एम्फीबिया इसमें आते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं कॉमनली। एम्फीबियंस की जो बॉडी होती है वो मोइस्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है मोइस्ट, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। ये वहीं मिलेंगे जहाँ पर पानी भी है और लैंड भी है, इनकी लाइफ साइकिल लैंड और वाटर दोनों से पूरी होती है बच्चों, एम्फीबियन, जिसमें फ्रॉक्स आ गया। रेप्टिलिया, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी जो बॉडी वाल होती है वो थोड़ी ही रफ होती है, उसके ऊपर सक्यूट्स निकले होते हैं, उबार से निकले होते हैं, और ये रेंग कर चलते हैं, क्रावलिंग करते हैं, रेंग कर चलते हैं रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स आपने देखे होंगे, स्नेक हैं, कैमिलियन है, लिजर्ड्स हैं, काफ़ी सारे रेप्टाइल्स घरों में जो छिपकली होती है वो भी रेप्टाइल है। एव्स में बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स, ठीक है बच्चों। बर्ड्स की जो बॉडी है वो ढकी होती है किसे, फैदर से, तो फैदर का होना इनकी पहचान है, चोंच का होना इनकी पहचान है, और इनकी चोंच के अंदर, इनकी बीक के अंदर टीथ नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना। मैमेलिया, इसमें मैमल्स आते हैं, मैमल्स का क्या फीचर है, बॉडी हेयर एंड मैमेरी ग्लैंड्स, मैमल्स में मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं जिससे अपने बच्चों का नरिशमेंट करते हैं ये, ठीक है, और बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके चार क्लास हैं। तो कोर्डाटा फाइलम के बारे में बेसिक आपको बता दिया बच्चों, और ये बेसिक करेक्टर आपने याद रखने हैं, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आगे आप खुद भी बढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, एक ओके, अगर कुछ रह गया है तो उसका मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा बच्चों। तो थैंक यू लॉट, नेक्स्ट वीक हमारी क्लास आएगी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट टॉपिक, लाइफ प्रोसेस। थैंक यू बच्चों।